Good morning, student of standard 7. This is your grammar class. Today we will learn about degrees of comparison. So all of you take out page number 22. Now start. Adjectives not only depict the quality of a noun but also tell us the degree of that quality. It means विशेषण ना केवल किसी संज्ञा के गुण को बताता है, ठीक है, बल्कि उस गुण के डिग्री को ही बताता है कि वो किस लेवल पे है या किस डिग्री पे है, ठीक है. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है 3 डिग्रीज, ठीक है. कितने डिग्रीज होते हैं? 3. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वन इज कंपेरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. ओके, नाउ फर्स्ट वन पॉजिटिव डिग्री. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज पॉजिटिव डिग्री. इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस सिंपल फॉर्म में बस हम लोग एडजेक्टिव लगा के सेंटेंस को पूरा करते हैं, ठीक है. इट इज़ यूज वेन नो कंपेरिजन इज मेड. इसमें कोई कंपेयर नहीं करना पड़ता है, ठीक है, किसी से. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जॉन इज यंग. इसमें किसी को भी किसी से तुलना नहीं किया गया, ठीक है, बस सिंपल फॉर्म में इसको बनाना है. जॉन इज यंग. यंग किसके बारे में बोल रहा है? जॉन के बारे में. जॉन क्या है? यंग है, ठीक है. ये क्या बता रहा है? जॉन का एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कंपेरेटिव डिग्री. द डिग्री डैट शोज द हायर क्वालिटी ऑफ डिग्री वेन टू नाउन्स आर कंपेयर्ड इज कंपेरेटिव. इसमें क्या होता है? दो नाउन से कंपेयर किया जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, डेजी इज यंगर देन जैनी. डेजी क्या है? यंगर देन जैनी. जैनी से क्या है? यंगर है, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है, किससे? डेजी का किससे हो रहा है? जैनी से, ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में, ठीक है. द डिग्री डैट शोज द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ डिग्री वेन मोर देन टू नाउन्स आर कंपेयर्ड इज सुपरलेटिव डिग्रीज. सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? हम लोग दो से अधिक नाउन्स के बीच में उसका क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, मैरी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल थ्रीज. मैरी क्या है? यंगेस्ट है. किन में से? इन 3 में से, ठीक है. ये कहाँ कंपेयर किया गया है? 3 लोगों के बीच में, ठीक है. तो इसमें क्या होता है? मोर देन टू नाउन्स, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, रिमेंबर फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं ये कैसे बनता है, ठीक है. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, कंपेरेटिव में क्या होता है या सुपरलेटिव में क्या होता है. फर्स्ट वन, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हैज़ नो सिलेबल वी एड ईआर एंड ईएसटी टू फॉर्म द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव रिस्पेक्टिवली. हम लोग क्या करते हैं, कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए ईआर लगाते हैं और सुपरलेटिव में ईएसटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन आप लोग का लिखा हुआ है, पॉजिटिव में क्या है? ब्राइट. अब इसको हम लोग को चेंज करना है किस में? कंपेरेटिव डिग्री में. डिग्री में तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे इसमें? ईआर का प्रयोग करेंगे, ठीक है. बस सिंपली हम लोग क्या यूज़ करना है? ईआर. सुपरलेटिव में जब जाएंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे इसमें? ईएसटी, ठीक है. अब देख लीजिए क्लेवर का क्या किया गया है, क्लेवर. सुपरलेटिव में क्लेवरेस्ट, ठीक है. उसी तरह आगे इसको बनाया गया है. अब देखते हैं सेकेंड में, वेन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड्स विथ ई, ओके, वी एड आर एंड एस टी टू फॉर्म द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव. इसमें क्या बोल रहा है? अगर पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, एडजेक्टिव्स को हम ख़त्म करते हैं ई से, तो हम लोग कॉम्परेटिव में क्या यूज़ करते हैं? आर लगा के यूज़ करते हैं, ठीक है. और सुपरलेटिव में क्या करेंगे? ई एस टी लगा के यूज़ करेंगे, सॉरी एस टी लगाएंगे, ठीक है. अगर पॉजिटिव में ई है लास्ट में, तो हम लोग क्या कर देंगे? कॉम्परेटिव में ई आर लगाएंगे, ठीक है, सिंपली आर लगाएंगे, ठीक है. और कंपेरेटिव में क्या करेंगे? एस टी लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, पॉजिटिव में लिखा हुआ है नोबल, ठीक है. तो हम लोग कंपेरेटिव में क्या करेंगे? सिंपली आर यूज़ करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? नोबलर. उसके बाद सुपरलेटिव में क्या यूज़ करेंगे? एस टी. तो ये क्या बन जाएगा? नोबलेस्ट, ठीक है. नाउ थर्ड वन, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड्स विथ वाई. इसमें क्या होगा? अगर पॉजिटिव डिग्री में किसी एडजेक्टिव को वाई से ख़त्म किया गया, ठीक है, मतलब लास्ट में वाई यूज़ किया हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? कॉम्परेटिव में चेंज करने के लिए वाई को रिमूव कर देंगे और हम लोग क्या यूज़ करेंगे उसके बदले में? आई ई आर. और सुपरलेटिव के लिए क्या यूज़ करेंगे? आई ई एस टी. ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉजिटिव में लिखा हुआ है आप लोग का कॉस्टली, तो हम लोग कॉम्परेटिव में क्या करेंगे? एल को रिमूव, सॉरी वाई को रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पर क्या यूज़ करेंगे? आई ई आर, ठीक है. और सुपरलेटिव में क्या करेंगे हम लोग? क्या यूज़ करेंगे? एस टी, ठीक है, सॉरी आई एस टी. ओके, नाउ द लास्ट वन,
When the positive degree of adjective ends with a consonant and is preceded by a vowel, we double the consonant and add er and est to form the comparative and superlative. Okay? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, जो एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है तो उसमें क्या लगा हुआ रहता है, एंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट, वहाँ जो लास्ट में जो एंड होता है वो किसी से होता है, कॉन्सोनेंट से. तो कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं. डबल लगा के उसमें क्या ऐड करते हैं, एंड ऐड ईआर. सिंपली क्या यूज़ करेंगे हम, जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डबल करके सिंपली ईआर का यूज़ करेंगे, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कॉम्पेरेटिव के लिए. और सुपरलेटिव में उसको हम क्या करेंगे, बस सिंपली उसमें ई एस टी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, चेंज करने के लिए. तो इसमें आप लोग को क्या करना है, पेज नंबर 22 और 23 को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है, पॉजिटिव में कैसे, पॉजिटिव को कैसे चेंज करेंगे कॉम्पेरेटिव में या सुपरलेटिव में, ये आप लोग को अच्छे से पढ़ के याद करना है, ठीक है. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.